सभी को मेरा जोहार नमस्कार। मैं अंकिता, मेरी यूट्यूब चैनल झारखंडी व्यंजन बाई अंकिता मिक्की में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों बंगाल स्टाइल या बंगाल स्टाइल पालक बैंगन की मिक्स सब्जी दोस्तों। तो देखिए इसके लिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे दोस्तों ले लिया है पके हुए कोहड़े कुम्भड़े या जो पम्पकिन बोला जाता है वो ले लिए हैं। यहाँ पे ले लिए हैं दोस्तों सीम, यहाँ पे ले ली है एक मूली, यहाँ दो टमाटर, दो प्याज, हरी मिर्च, साथ में एक लहसुन ले लिया है, दो बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं मैंने, यहाँ पे ले ली है हरी हरी धनिया की गड्डी जिससे मैं गार्निशिंग करूँगी, साथ में यहाँ पे ले लिया है दोस्तों मैंने पालक, और यहाँ पे मैंने ले लिया है खास इंग्रेडिएंट्स बैंगन। ये पालक और बैंगन मिला करके मैं आपको बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना करके दिखाऊंगी दोस्तों। तो ये रही हमारी सब्जियाँ, इसमें से जितना आवश्यकता अनुसार अपनी फैमिली के लिए मैं बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया है ढेर सारा, देखिए दोस्तों मसाला जो भी है, जीरे का पाउडर, गोलकी का पाउडर, पंचफोड़न है, मिर्च पाउडर है, और भी सारे पाउडर मसाले जो हैं वो मैंने ले लिया है दोस्तों। साथ में खास इंग्रेडिएंट्स दोस्तों ये है उड़द दाल की बड़ी दोस्त, ये भी मैंने ले लिया है जो हमारे झारखंड में फेमस उड़द दाल की जो बड़ी होती है दोस्तों, देखिए इस तरह से ये जो बड़ी होती है ये ले लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है सरसों का तेल, हल्दी और नमक। इन सब का प्रयोग करके दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी पालक बड़ी बैंगन की सब्जी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल झारखंडी व्यंजन में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, एवं कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों हम इसको सारे सब्जियों को जो भी है वो काट लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना करके दिखाती हूँ, तो मेरे वीडियो पर बने रहिए। तो आइए दोस्तों देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो पालक बड़ी बैंगन की सब्जी बनाने वाले थे उसके लिए मैंने यहाँ क्या किया है, पालक को धोकर काटकर यहाँ पे बॉईल होने दे दिया है। साथ में यहाँ पे हमने प्याज मिर्च अदरक लहसुन काट लिए, और यहाँ पे जो सीम था इसको भी मैंने जो क्या किया बॉईल कर दिया, आलू कट कर लिए, टमाटर हैं, बैंगन, मूली, जो पम्पकिन थे कद्दू सबको कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कढ़ाई में सरसों तेल गर्म होने दिया है, और यहाँ पे ये जो उड़द दाल की बड़ी थी उसको मैं यहाँ पे तेल में डालती हूँ, और इसे मैं क्या करती हूँ कि भून करके बड़ियों को जो मैं है निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये जो बड़ियाँ होती हैं ये कच्ची होती हैं, तो ये भूनने के बाद इसमें बहुत ही सौंधा टेस्ट आएगा, इनमें भून लेती हूँ। और साथ साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पालक था ना वो भी बॉयल हो गया है, तो बॉयल हो गया है तो मैं इसे क्या करूँगी, अब यहाँ पे गैस जो है वो देखिए इस तरह से, तो पालक दब रहा है, गैस मैं बंद कर देती हूँ और इसे एक छेद वाले बर्तन में डाल दूँगी दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये जो बड़ियाँ थी दोस्तों ये बड़ियाँ भी जो है यहाँ पे भून चुकी है, बड़ी भून चुकी है, अब मैं इसे इस तरह से हटा लेती हूँ, निकाल लेती हूँ दोस्तों, अभी इसे इस तरह से भून करके निकाल लें। और अब खास मैं डालती हूँ यहाँ पे पंचफोड़न दोस्तों, जब पंचफोड़न चटक जाए तो फिर मैं यहाँ पे डालूँगी प्याज, लहसुन, खड़े खड़े मैंने लहसुन ही डाल दिए दोस्तों, इसी में पकेगा। इस तरह से, और इसमें मैं क्या करूँगी ये जो अदरक है इसे मैं घिस करके डाल देती हूँ दोस्तों। तो आइए जब तक प्याज भूनता है उसके बाद फिर मैं इसमें और भी सब्जियाँ डालकर आपको दिखाती हूँ। तो आइए दोस्तों यहाँ प्याज भून चुका है, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आलू, प्याज थोड़ा लाल हो गया है दोस्तों, तो लाल हो गया है, सुनहरा हो गया है, ये खाने में पूरा जो है ये गल जाएगा तो अच्छा लगेगा दोस्तों। साथ साथ इसमें डालती हूँ नमक, और नमक डालने के बाद क्या करूँगी इसमें मैं साथ साथ में डाल दे रही हूँ दोस्तों सीम, ये सीम डाल दे रही हूँ, और ये दोनों को मैं क्या करती हूँ 5 से 10 मिनट के लिए भूनने के लिए छोड़ देती हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ढक्कन लगा देती हूँ दोस्तों, तो मेरे वीडियो पे बने। तो आइए दोस्तों ढक्कन हटा लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे तो किस तरह से सीम और आलू जो है वो भून चुकी है। अब इसमें मैं क्या करूँगी यहाँ पर डाल दूँगी ये जो मीठे वाले कोहड़े थे मैं वो डाल देती हूँ, साथ साथ में मूली दोस्तों, ये मूली
ये भी डाल देती हूँ, और ये हमारे जो बैंगन थे ये भी मैं डाल देती हूँ दोस्तों। ये तीनों मैं डाल देती हूँ, साथ में एक चम्मच नमक। अब मैं इन्हें डालकर वापस से अच्छे से भूनूंगी दोस्तों। तो देखिए कितना सुंदर बंगाली स्टाइल में तीन आलू मूली बैंगन की जो सब्जी है वो बन रही है दोस्तों। आइए फिर मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। भाई दोस्तों ढक्कन हटाते हैं और देखिए यहाँ पे किस तरह से जो है ये हमारी सारी सब्जियाँ जो हैं वो भून चुकी है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये हमारे जो बॉयल पालक थे और ये जो हमारे टमाटर थे दोस्तों, मैं इन्हें यहाँ इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें प्रयोग करती हूँ हल्दी दोस्तों, यहाँ पर हमारा धनिए का पाउडर, साथ में हम डाल रहे हैं हल्का सा काली मिर्च, ज़ीरा दोस्तों, साथ ही साथ यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर हल्का डालूँगी, साथ में यहाँ पे मैंने रखा था किचन किंग मसाला वो भी डाल रही हूँ। और आप चाहे तो और भी बहुत सारी सब्जियां जो है वो आप डाल मसाले डाल सकते हैं दोस्तों, जो आपकी इच्छा करे आप वो डालें। और यहाँ पे देखिए इस तरह से सारे मसालों को डाल करके, और चूँकि मैंने नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही दे रखा था इसलिए अभी मैं नमक नहीं दे रही हूँ, इस तरह से जो है सारे मसालों को जो हम हैं वो अभी सब्जियों में अभी भून लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर इसमें मैं हल्का सा पानी का प्रयोग करूँगी। और ये रही जो हमारी खास इंग्रेडिएंट्स वड़ी, ये वड़ी भी मैं अभी इसमें डाल देती हूँ और इसे फिर से वापस से मैं 5 से 7 मिनट के लिए ढक देती हूँ। तो देखिए कितना टेस्टी जो है वो सब्जी बन रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों ढक्कन हटाते हैं और देखिए कितना स्वादिष्ट जो है ये सीम आलू बैंगन का जो सब्जी है बंगाल स्टाइल ये बन करके तैयार है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगी इसमें, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे सूखा रखना चाहते हैं तो आप इसे सूखा भी रखें, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे हल्का पानी मिक्स करके बनाएं तो देखिए दोस्तों इस तरह से बना। तो अगर आप इसमें पानी मिक्स करना चाहते हैं तो आप पानी भी मिक्स करें। तो मैं हल्का सा क्या करूँगी इसमें, मैं पानी मिक्स कर देती हूँ दोस्तों, इस तरह से मैं इसमें पानी मिक्स कर देती हूँ। और पानी मिक्स करके मैं सब्जी को थोड़ा ग्रेवी वाला सब्जी बनाती हूँ दोस्तों। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से जो है वो पानी मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, अब इसमें उबाल आने के लिए देती हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। आइए दोस्तों बन करके तैयार है हमारी सीम आलू बैंगन की जो सब्जी है वो बन करके तैयार है दोस्तों। देखिए कितनी स्वादिष्ट। मैं क्या करूँगी इसमें जो धनिया की पत्ती है मैं वो डाल देती हूँ दोस्तों, तो आप भी ज़रूर बनाएं। और आइए मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ दोस्तों। तो देखिए स्वाद से भरपूर सीम आलू बैंगन की सब्जी तैयार है, तो आप भी इसे बनाएं। अभी सभी तरह की सब्जियाँ जो है वो मार्केट में उपलब्ध है, तो ज़रूर बनाएं और सबको खिलाएं दोस्तों। तो सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।